नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टिनटिन फिल्म एडवेंचर्स के कार्यक्रम राजनीति कल्चर लाइव। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे आज के विशेष मेहमान पैनी नजर रखते हैं राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर, और हमारे साथ जुड़े हैं श्री वेद माथुर जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। तो वेद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, जैसा कि आप जानते ही, राजनीतिक पारा बहुत गर्म है और गुजरात के अंदर दूसरे चरण के चुनाव अभी अभी समाप्त हुए हैं। तो वही सवाल मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा जो कि जनता के दिमाग में सबसे ऊपर है, सर क्या होने वाला है गुजरात में? देखिए, यह तो बड़ा स्पष्ट है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन वहाँ किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी यह बताना हालांकि मुश्किल है, क्योंकि ये 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कितने वोट काटती है। कई लोग ये कहते हैं कि वो शहरों में भाजपा के वोट काटेगी, गांव में कांग्रेस के वोट काटेगी। मेरा ये मानना है कि वो जो भी वोट काटेगी उसका कम से कम 90% हिस्सा कांग्रेस के वोटों का होगा। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जहां पहले से भारतीय जनता पार्टी 60-65% वोटों से जीत रही है, वहाँ यदि कांग्रेस का वोट काट भी देगी आम आदमी पार्टी तो उसका लाभ सीटों में नहीं मिलेगा बीजेपी को। लेकिन यहाँ बहुत कम वोट से कांग्रेस जीती है, वहाँ यदि उसके वोट आम आदमी पार्टी काटती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरा, एक देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ जो कांग्रेस के MLA हैं उनके खिलाफ कई जगह एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है कि वो चूंकि विपक्ष में थे और राज्य सरकार बीजेपी की थी, इसलिए वो कई मामलों में परफॉर्म नहीं कर पाए। उनको बजट नहीं मिला, वहाँ वो पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, इन क्षेत्रों में उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना बीजेपी के विधायक अपनी खुद की सरकार होने की वजह से कर पाए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा। एक और फैक्टर जो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है वो ये है कि पिछले चुनाव में 3 मजबूत बल्लेबाज कांग्रेस के पक्ष में थे, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। इन 3 इम्पोर्टेंट बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाज कांग्रेस का साथ छोड़ गए। फिर जैसा पहले मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके वोट काटेगी। इस सारी स्थिति में मेरा निजी प्रिडिक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 125 सीटें मिलेंगी। इसी तरह कांग्रेस को करीब 50 सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी के बारे में मेरा अनुमान है कि उसको 0 से लेकर 9 सीटें मिलेंगी। 9 सीटें मैं ऑप्टिमिस्टिक होके दे रहा हूँ, क्योंकि उनका जो वोट है वो सूरत और कुछ सौराष्ट्र के इलाके के बाहर ज़्यादा नहीं है, इसलिए सीटें भी उनकी 0 से 7-8-9 भाई, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो सर, मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि, और ये मेरा ही नहीं, ये मेरी तरह एक आम वोटर प्लस इवन ऑपोजिशन का भी यही सवाल रहता है कि 27 साल तक शासन में होने के बावजूद भी क्यों भारतीय राजनीति में बीजेपी की गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है फिर भाजपा की जीत की? देखिए, हर जगह की प्रॉस्पेरिटी में सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही योगदान नहीं देती है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप गुजरात का एग्जांपल लें तो उसके पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उसके पास NRI मनी का इन्फ्लो है, उसके पास अपनी लीगेसी है, तो अकेले किसी राज्य सरकार को उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट देना उचित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि किसी भी कारण से रहा हो, गुजरात में जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको कई बार राजनीतिक पार्टियां इग्नोर कर जाती हैं, वो है कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा। आज भी बार बार ये कहा जाता है कि गुजरात के अंदर कोई महिला रात को 12 बजे भी पूरे आभूषण पहन के घूम सकती है निश्चिंत होके। तो ये जो महिला सुरक्षा का फैक्टर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गुजरात के बारे में आपको मानना पड़ेगा कि गुजरात के चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ ब्रांड मोदी ये सबसे बड़ी चीज है। अब जैसा आप जानते हैं कि ब्रांड का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी किस चीज का एश्योरेंस है? डेवलपमेंट का एश्योरेंस है और लॉ एंड ऑर्डर का एश्योरेंस है। इसके अलावा देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके लिए बीजेपी को गुजरात में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो भी कुछ पिछले 10-20 सालों में हुआ है वो उसने पूरी तरह से सोसाइटी को पोलराइज कर दिया, अब उसको फर्दर पोलराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि गुजरात में मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% के लगभग है, इसलिए एडवांटेज बीजेपी है।
इसी तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एंटी इनकम्बेंसी का सवाल किया है। उन्होंने एक समझदारी ये की कि अंतिम समय में जब उनको लगा कि जो उनकी प्रेजेंट मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री हैं उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, तो उन्होंने सबको हटा दिया, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिला। और एक और बात, जो जाते चुनाव जब अंतिम चरण में थे उस समय कांग्रेस में कोई ना कोई आदमी सेल्फ गोल करता है, तो इस बार जैसे खड़गे जी ने उनकी तुलना मोदी जी की रावण से की, तो मुझे लगता है ये भी बैकफायर करेगा। लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती है, वो है उनका धुआंधार प्रचार, उनका परिश्रम और बूथ मैनेजमेंट। ये तीन चीजें ऐसी हैं उनकी जो हर जगह, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पूरी ताकत से इन तीन चीजों पे फोकस करते हैं, प्रचार परिश्रम करते हैं और बूथ मैनेजमेंट करते हैं। इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी फायदे की स्थिति में। तो आपने धुआंधार प्रचार की बात करी, धुआंधार प्रचार की अगर बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में एक एक्स फैक्टर उभर रहा है जिसने इस बार गुजरात में भी दस्तक दी है। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। तो ऐसा माना जा रहा था कि पिछले 3-4 महीनों से आम आदमी पार्टी बहुत धुआंधार प्रचार कर रही, तो फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि इतना धुआंधार प्रचार के बावजूद भी आम आदमी पार्टी केवल 0 से लेकर 9-10 सीटों तक ही सीमित होकर रह जाएगी? देखिए, गुजरात के अंदर यदि आप जाएं तो आप पाएंगे कि 80-90% लोग गुजराती बोलते हैं, तो वहाँ जब भी मोदी ने या शाह ने प्रचार किया उन्होंने एक शब्द भी हिंदी में नहीं बोला, सारा उनका प्रचार कैंपेन गुजराती में था। तो उन्होंने इस लड़ाई को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू बनाम बाहरी, कि ये बाहरी लोग हैं, दिल्ली के ठग हैं, इनको मत आने दीजिए। दूसरा, गुजरात एक जहाँ प्रॉस्परस वो है स्टेट, वहाँ आप फ्री बिजली फ्री पानी की बात करें तो वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उनको शानदार सड़कें चाहिए, उनको दूसरे इश्यूज हैं, इवन गुजरातियों के लिए स्कूल बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो इस कुल मिला के जो केजरीवाल का मॉडल है, वो केजरीवाल के जो वोटर हैं गुजरात के अंदर, मेरी दृष्टि में वो लोग ज़्यादा हैं जो उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से मजदूरी के लिए गए हैं गुजरात में और डेली वेज अर्नर्स हैं। उनके लिए ये जो बजट में यदि उनको बिजली का और पानी का पैसा नहीं देना पड़ता है, बस में महिलाओं को यात्रा फ्री हो जाती है, तो उनके लिए बड़ा फैक्टर है, जो मूल गुजराती है उसके लिए महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति पे पहली नज़र रखते हैं और राजनीति की अगर हम बात करें तो बिना कांग्रेस के चर्चा के राजनीति की चर्चा पूरी नहीं होती। तो अंतिम सवाल आपसे ये है सर कि आप कहाँ देखते हैं भारतीय राजनीति को आने वाले 5-10 वर्षों में, और इसमें कांग्रेस कहाँ आपको नजर आती है? देखिए, कांग्रेस आप लगातार देख रहे हैं कि लूज कर रही है, और आप इसका स्टेटिस्टिक्स निकाल के देखें, आंकड़े निकाल के देखें, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस लगातार, उसके विधायक कम हो रहे हैं, सांसद कम हो रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कांग्रेस जिन स्टेट्स में रही है वहाँ रिपीट नहीं हो पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे, चाहे उसने गलत तरीकों से या सही तरीकों से, रिपीट हो गई वो, चाहे कई जगह MLA खरीदने का भी आरोप लगा, लेकिन उन्होंने फिर सरकार बना दी। तो कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस के बारे में मेरा ये मानना है कि जब तक राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, भले ही कहने को खड़गे हैं लेकिन असली जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में है, तो जब तक राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व रहेगा कांग्रेस ऊपर नहीं आ पाएगी। इसका एडवांटेज बीजेपी को रहेगा, बीजेपी चाहती नहीं है कि आम आदमी पार्टी या और कोई पार्टी या नेता ऊपर आए, वो चाहते हैं कांग्रेस सामने रहे, तो उनको पीटने में आसानी रहती है। जहाँ तक आप भारतीय राजनीति के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि विधानसभाओं में कुछ भी हो, नगर निगम के चुनावों में कुछ भी हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उसको नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह लड़ेंगे, और वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाएगा। भले ही उस इलेक्शन के बीच में TMC भी होगी, दूसरी पार्टियां भी होंगी, लेकिन वो इसको राहुल गांधी बनाम मोदी कर देंगे और लोग मोदी के नाम पे, कमल के फूल पे ठप्पा मार देंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी भी है जो कामयाब होती रही है और निश्चित रूप से इस बार भी होगी। आज इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी अगले 24 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों के लिए 29 तक कोई भविष्य नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और इस चर्चा में हमारा साथ दिया। तो दर्शकों, ये थे श्री वेद माथुर जी अपनी बेबाक राय रखते हुए गुजरात चुनावों के ऊपर। और वेद माथुर जी की माने तो भाजपा आसानी से इस बार चुनाव जीत रही है और 125 की तकरीबन सीट ला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। थे आप देख रहे थे टिनटिन फिल्म एडवेंचर्स
राजनीतिक कल्चर लाइव। थैंक यू सो मच।